बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन 24 करेंगे हम। एक्सप्लेन द कॉजेज और एटियोलॉजी ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन। क्या कॉजेज होते हैं हमारे लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन के, जिसे हम एटियोलॉजी भी कहते हैं। द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज कुड बी ऑर्गेनाइज अंडर ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक। ये जो हमारे कॉजेस होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के, वो दो तरीके के होते हैं, जिसकी हमारे किसके अंडर में आते हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक के अंदर आते हैं। फर्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक कॉजेस। लर्निंग डिसेबल जिसे हम एलडी कहेंगे, अराइज बिकॉज ऑफ मिनिमल ब्रेन डायफंक्शन एमबीडी। द डायफंक्शन अकर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या कहा गया है, जो हमारे जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनके जो ब्रेन होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो कि मिनिमल ब्रेन फंक्शन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीडी कहते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है, जिससे कि जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती है, कॉजेस आ जाते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है उसे लर्निंग करने में प्रॉब्लम होती है। द मेल फंक्शनिंग इज नॉट ड्यू टू डैमेज बट ड्यू टू डिसफंक्शन विच इज ओनली मिनिमल। इसमें क्या होता है, जो मेल फंक्शनिंग होती है वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं होती, परंतु इसमें थोड़ा सा डायफंक्शन हो जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा काम जो होता है, वर्क होता है, वो थोड़ा कम करती है। मिनिमल ब्रेन डायफंक्शन अराइज ड्यू टू, इस वजह से जो हमारे मिनिमल ब्रेन डायफंक्शन है इससे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट है सेरेब्रम हेमरेज, सेरेब्रम डिजीज बिकॉज ऑफ हाई फीवर हेड इंजरीज। इसमें क्या होता है, जब हमारा सेरेब्रम डिजीज होता है, सेरेब्रम हेमरेज होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा उसे फीवर होती है और इसकी जो हेड इंजरी होती है, दिमाग में भी चोट लगने की आशंका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्री मेच्योर बर्थ अनोक्सिया फिजिकल ट्रोमा। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है टाइम से पहले पैदा हो जाता है और जो अनोक्सिया होता है, फिर कोई फिजिकली तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक न्यूरोकेमिकल लेंस फंक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ जेनेटिक या फिर न्यूरोकेमिकल भी प्रॉब्लम देखी जाती है। इट मस्ट बी नॉट डेट ऑल ब्रेन लेंस फंक्शन आर नॉट एसोसिएट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी टू नॉट अराइज ड्यू टू ब्रेन लेंस फंक्शन। इसमें क्या कह रहा है, जो हमारे ब्रेन से लेंस फंक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है वो कि एसोसिएट हो, उसका कारण ही लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, क्योंकि हर एक तरीके की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जरूरी नहीं है कि हमारे वो ब्रेन से ही रिलेटेड हो या फिर ब्रेन के थ्रू ही हो। हाइपोग्लाइसिमिया और लो ब्लड शुगर इज अ कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबल लर्निंग प्रॉब्लम। जो हमारा हाइपोग्लाइसिमिया या फिर लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड शुगर होता है, ये भी हमारा एक कारण बनता है लर्निंग प्रॉब्लम का। एनी फैक्टर डेट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैन कॉज लर्निंग प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से हमारे कोई न्यूरोलॉजिकल कोई डैमेज हो जाती है, न्यूरो हमारी डैमेज हो जाती है, इससे भी हमें प्रॉब्लम होती है लर्निंग प्रॉब्लम लर्निंग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनेटिक कॉजेस। सेकेंड पॉइंट, लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड हाइपर एक्टिव रन इन फैमिलीज। जो हमारी लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है फिर हाइपर एक्टिविटीज होती है, हमारे क्या होते हैं जेनेटिक के थ्रू होती है, जो कि हमारी जनरेशन वाइज होती है, वन जनरेशन टू अनदर होती है। प्लस में क्या होती है, कुछ हमारी जो डिसेबिलिटीज होती है वो जरूरी नहीं होती कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में होती है, वो हमारे क्या होता है दो या तीन जनरेशन के बाद भी हो सकती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हमारी काफी टाइम पहले की थी, किसी और पीढ़ी दर पीढ़ी में थी, तो वो हमारे लास्ट में किसी भी पीढ़ी में वो चीज देखने को मिल सकती है। नियरली 20% हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हैज वन पेरेंट हाइपर एक्टिव। ज्यादातर जब हम देखेंगे जो 20% जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनमें से मदर या फादर में से कोई एक पेरेंट जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। चिल्ड्रन विद टर्नर सिंड्रोम हैज हायर इंसिडेंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ऐसे बच्चे जो कि टर्नर सिंड्रोम्स में आते हैं, तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल कॉजेस। मेंटल फैक्टर्स नोन टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट इंक्लूड द यूज ऑफ ड्रग्स, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिबेला। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है एनवायरमेंटल कॉजेस। जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उस कॉन्टेक्ट में आने के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एनवायरमेंट से जो बच्चे को इफेक्ट होता है, वो हमारा एनवायरमेंटल कॉजेस कहलाता है।
पेरेंटल फैक्टर्स नॉन टू हैव अ नेगेटिव, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे नेगेटिव इफेक्ट पहुंचता है, जैसे कि जो मदर होती है, जब बच्चे मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम वो कोई ड्रग्स का यूज करती है या फिर अल्कोहल लेती है या फिर किसी तरीके की नशीली चीजों का, पदार्थों का यूज करती है, तो वो सारी चीजें क्या बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज अनोक्सिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बर्थ इंजरिंग कॉजेज ब्रेन डैमेज एंड चिल्ड्रन हु रिसीव न्यूरोनेटल इंटेंसिव केयर सब्सिक्वेंटली बिकम लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जब बच्चे जो मदर होती है प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब उसका जब बेबी बॉर्न होने वाला था, उस टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि बच्चों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाना, ऑक्सीजन की कमी होना, या फिर उसका प्रीमेच्योर बर्थ होना, या फिर उसके ब्रेन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या डैमेज हो जाना, या फिर न्यूरोनेटल मतलब न्यूरो से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर उसके अच्छे से केयर ना होना, उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज के ब्रेन पे काफी फर्क पड़ता है, और जिससे कि वो बाद में लर्निंग डिसेबिलिटीज का रूप ले लेती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में भी कॉज ड्यू टू इनसफिशियंट अर्ली एक्सपीरियंस एंड स्टिमुलेशन। इसमें क्या क्या है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इसका कारण ये भी होता है कि इनसफिशियंट मतलब टाइम से पहले उसका बर्थ हो जाना, या फिर कुछ जो मदर होती है उसे इस चीज के बारे में कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना होना, स्टिमुलेशन ना होना। इट इज ऑल्सो कॉज बाय पुअर और एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन। ये किस वजह से होता है, इसका कारण ये होता है कि जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो वो जो वहां का डॉक्टर या फिर कोई भी इंसान होता है जो कि हमें ट्रीट कर रहा होता है, तो उसके इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती, उसके बारे में से पुअर नॉलेज होती है, वो भी अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या करना चाहिए, जिस वजह से जो मदर के साथ साथ उसके बेबी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी। ये थे हमारे कॉजेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिससे हमें पता चला कि किस किस कारण से जो बच्चा होता है उससे लर्निंग में डिफिकल्टीज होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।